Hey guys, welcome to our Twin Sisters channel. I'm Maitri. And I'm Kanti. तो आज हम बना रहे हैं vlog. And guys, आज हम vlog इसलिए बना रहे हैं because आज चिकू का होने वाला है first bath. Yes. Like officially आज चिकू नहाएगा. Yeah. क्योंकि अब इतने दिनों से तो उसको dry bath हो रहा था. Hmm. अभी first time उसको actual जो bath होती है वो मिलेगी. Hmm. Plus उसका hair cut थोड़ा बहुत जो होगा. हम last time vet के पास गए थे तो हमने आपको बोला था कि हम उसके eyes के hair cut कराएंगे. तब vet ने हमसे कहा कि ना पहले उसको अच्छे से bath होने चाहिए. Dry bath नहीं, normal अच्छी वाली bath होनी चाहिए. उसके बाद उसके बाल बाल कटेंगे तो बेटर रहेगा. उसकी स्किन में कोई भी इन्फेक्शन जाएगा नहीं, जो इतने 3 महीने से वो नहाया नहीं ना. क्योंकि जाएंगे इसकी ऑफिशियल बात कराने के लिए. Yes, तो मैं अपॉइंटमेंट बुक कर दी है 2 बजे की, बट अभी बज गए हैं 1:45. तो लाइक एज यूजुअल हमेशा लेट होते आए हम लोग. Yes. तो अभी भी लेट होंगे तो फटाफट से चलते हैं. एंड ऑल्सो आज अम्मा दादू आ रहे हैं डैडी को लेके हैदराबाद से वापस. जी बिल्कुल, शाम हम लोग साथ जाएंगे. हाँ, शाम 4 बजे की उनकी फ्लाइट है वहां से, तो जो कि यहाँ पे लैंड हो जाएगी लाइक 6 o'clock आई थिंक. तो फटाफट से चलते हैं बिकॉज अब हम लेट हो रहे हैं. एंड आपको इस ब्लॉग को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आल्सो द बेल आइकन सर्टिफाइड. हैदराबाद में हम लास्ट गए होंगे ऑटो से, उसके बाद हम गए नहीं, बैठे नहीं है. ऑटो ऊबर का ही ऑटो भी वो, बट कैब वगैरह से थोड़ा सस्ता पड़ेगा तो पैसे बचाएंगे. हम लोग ऑटो से जाएंगे. एंड फर्स्ट लाइक काफी सालों बाद हम ऑटो से जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आए जब से तो हम ऑटो में बैठे ही नहीं है. ई रिक्शा वगैरह हम बैठे हैं बट ऑटो में नहीं बैठे. तो आज हम ऑटो में बैठेंगे एंड चिकू को साथ में लेके जाएंगे. एक मिनट, चिकू से मिलाते हैं आपको. चिकू को आज हमने ड्राई बात भी नहीं किया बिकॉज उसका वैसे भी ऑफिशियली बात होने वाली है. जी बिल्कुल, चिकू को हाई कर दो और जल्दी से चलते हैं क्योंकि चिकू से रहा नहीं जा रहा है, मुझे नहाना है. आई वांट टू बी क्लीन. फटाफट चलते हैं. एंड ऑल्सो हमने भैया से कुछ टेस्ट टेस्ट चीजें मंगवाई हैदराबाद से, लगे हमें फेवरेट चीज, वो आपको शाम को दिखाएंगे. अभी जब वो आएंगे तभी दिखा पाएंगे ना. या तभी चलते हैं गाइस, लेट्स गो. सो गाइस, दिस इज व्हाट वी आर वेयरिंग. ऐसा लग रहा है चिकू अपने सैलून नहीं जा रहा है, हम अपने सैलून जा रहे हैं. इतना सच धज के कुछ ज्यादा लग रहा है मुझको. It's okay, normal casual t-shirt hai and pant, denim. Yes, and cute sa sling bag recently humne liya tha, matlab aapko dikhaya tha hum logo ne. Yeah. So let's go now. Oh my god, ye aise girta raha to main chiku ko kaise sambhalungi. So let's go guys. गाइस हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे. चिकू आर यू एक्साइटेड गुड्डा? एक्साइटेड चिकू? चिकू बहुत फ्री हो जाएगा अपने आंखों के बाल से ना. हाँ, बहुत ज्यादा दुख होता था इसके आंखों को देख के ना इसे. एंड डैडी जब से कहने लग रहे थे हैदराबाद से कि बेटा करवा लेना मैं जब तक आऊँ. तो डैडी आज आ रहे हैं, डैडी की आने की खुशी में चीकू की भी ग्रूमिंग हो जाएगी. वाह, क्लीन कराना है अंदर से ना. अच्छा ठीक है, क्यूट है ना. बहुत क्यूट लग रहा है मेरा गुड्डा. चलो चिकू
देखो मैं चीकू की मस्त दिख रही आंखें अब कितना क्यूट लग रहा है मेरा गुड्डा ये इसके गले पे अरे वो भांदे हम लोग निकाल दो इसको बहुत अच्छी सर्विस करी मामा उन्होंने So we got few things for Chiku, uski treat, carrot treat, shampoo, uski multivitamins vagera. And Chiku, idhar kya so raha hai gudda mera. Isse kitna cute lag raha hai Chiku, tu kitna cute lag raha hai. तो ये हमारा लेट लंच 4 o'clock हो रहे हैं एंड अब हम लंच खा रहे हैं पनीर की भुर्जी प्लस रोटी दृष्टि का भी सेम है एंड दृष्टि देख रही है वीडियो किसकी वीडियो देख रही हो डैडी की देख रहा हूँ डैडी डाल रखी है उसे हम साथ आते हैं ओके ओके डैडी आ गए हमको लेने के लिए सरप्राइज दिया हमको एयरपोर्ट से पहले पहुँच गए हमसे हम लोग और दादाजी बढ़िया कैसे मजे है देखो पहले बढ़िया बढ़िया चीकू 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 पहचान लिया उसने देखो ये लेके आए हैं भैया हमारे लिए हैदराबाद से यम्मी यम्मी चीजें सो ये है कराची के बिस्किट्स भाभी लेके आई हैं यम्मी यम्मी बिस्किट्स हैं लाइक फ्रूट्स वाले बिस्किट ओट मील वाला बिस्किट लाइक काफ़ी तरह के बिस्किट काफ़ी हेल्दी या एंड काफ़ी हेल्दी ऑल्सो एंड चॉकलेट्स ऑल्सो एंड इस बैग में हमारी फेवरेट चीज़ है जो कि है हमारे क्रीम बंद दिल पसंद लाइक काफ़ी सारी टेस्टियस चीज़ें जो कि हम ले भैया लेके आए हैं टॉप बेकर से वो हमारे फेवरेट जगह है हैदराबाद में लाइक बेकरी में और बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड बहुत सारी चीज़ें लेके आए भैया काफ़ी सारे दिल पसंद एंड काफ़ी सारे क्या बोलते हैं दिलबहार भी बोलते हैं दिलबहार भी बोलते हैं अच्छा अच्छा क्रीम बन हाँ क्रीम बन तो लिया है ये मम्मा का फेवरेट है यस इसको जब तक मैं सिर्फ दो उसको पता नहीं रखना चाहिए ये वाला हमारा फेवरेट है ये गोइंग टू ईट इट चॉकलेट चॉकलेट कैसा लग रहा है दृष्टि आपको अब मैं भी ये खाऊंगी आपको मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद बाय सो गाइस जैसे कि आपको पता है हर मंथ अपनी फेवरेट्स लेके आते हैं ब्यूटी कैटेगरी बट आजकल हम लोग महीने में या दो या तीन बार फेवरेट्स वीडियो लेके आते हैं फैशन एंड ब्यूटी में भी लाइक सो हम चाहते हैं कि आप सब में शेयर करें क्या क्या प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं ताकि आप जब वो खरीदो तो आपको वो वर्थफुल लगे यस यस सो हमने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं अमेजोन से सारे प्रोडक्ट्स जो हम शो करेंगे सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए सनस्क्रीन लाइक ये VLCC की नेचुरल साइंसेस की सनस्क्रीन है ये मम्मा यूज करती हैं तो ये हमने उनके लिए लिया है लाइक उनको ये अच्छी इसलिए लगती है बिकॉज इट्स इन मैट बाकी सनस्क्रीन क्या होती है इसे गर्मियों में लगाने के बाद यू नो ऐसे पसीना वसीना सा आ जाता है बट इसमें ऐसा नहीं होता है ये बहुत जल्दी आराम से अब्जॉर्ब कर लेती है तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है तो इसलिए मम्मा को ज्यादा पसंद है VLCC की सो इट्स इन SPF 30 सो मम्मा को ये पसंद है तो दैट्स आई बॉट फॉर हर सो गाइज नेक्स्ट वी हैव दिस वाव स्किन साइंस का ऑप्टिन बॉडी लोशन हमने लास्ट टाइम मामा अर्थ का ऑप्टिन बॉडी लोशन लिया था सो हमको ऐसा ट्राई करना था कि दोनों में डिफरेंस क्या है लाइक फ्रेग्रेंस में और प्राइस में तो ऑब्वियसली डिफरेंस है बट इस फ्रेग्रेंस में क्या डिफरेंस है तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें है ज्यादा सैंडलवुड का स्मेल एंड रोज का ज्यादा स्मेल है उसमें रोज का स्मेल बिल्कुल भी नहीं था लाइक तो दोनों में ही डिफरेंस है काफी एंड दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छी स्मेल है दोनों की तो ऐसा नहीं कह सकते कि वाओ बेटर है कि मामा अर्थ बेटर हमको दोनों ही अच्छे लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हो लाइक आप जरा कमेंट सेक्शन में बता दें आपको कौन सा बेटर लोशन लगता है नेक्स्ट अप वी हैव प्लम का हवाईयन रूम्बा हैंड क्रीम एंड लाइक ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है लाइक आप लोगों ने देखा होगा एक बार मैंने ये पहले भी लगाया था तो मुझे इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज ना
इसमें ऐसा ना बहुत ज्यादा लाइट वेट है ये, इट्स सॉर्ट ऑफ जेल ओनली एंड इसे खुशबू तो लाइक बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है, वाव बहुत ही ज्यादा अच्छी है. बिकॉज मेरे पास ना इसकी बॉडी मिस्ट है तो उसकी वजह से मुझे हवाईन रुम्बा की जो क्या बोलते हैं फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है. हमारे पास सिर्फ शार्ट जेल भी है और बॉडी मिस्ट भी है तो मुझे था कि हैंड क्रीम भी ले लेते हैं. एक और हमने ली थी बट हमने सोचा कि क्यों ना एक और एक्स्ट्रा में रखी जाए. सो गाइज नेक्स्ट अप वी हैव दिस क्यूट सा मिरर, इट्स इन पिंक कलर और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है. हमारे पास एक था हैंड मिरर था वो, बट हमें था कि कुछ अगर हम मेकअप वीडियो बनाते हैं तो मेकअप वीडियो अगर हम फ्यूचर बनाते हैं तो उसके लिए स्टैंड होना चाहिए इस तरीके का, सो दैट वी कैन कीप इट समवेयर एंड हम मेकअप कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं. ये बहुत ही आई थिंक बहुत ही इनएक्सपेंसिव था. एक्चुअल प्राइस इसकी 600 समथिंग थी, वी गॉट इट ओनली फॉर 300. फेस के लिए, सो टू रिमूव मेकअप एंड ऑल, बट हम मेकअप तो करते नहीं, सो लिपस्टिक एंड ऑल के लिए बहुत कम आएगा. और ये कॉटन में है तो लाइक बहुत ज्यादा यू नो सॉफ्ट है, ऐसा हार्श नहीं है स्किन पे होगा. 180 पीसेस है एक पैकेट में. ये भी काफी इनएक्सपेंसिव था, लाइक ये दोनों साथ में हमने खरीदे थे, एटलीस्ट 2 हमको बाय करने थे तभी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते थे. ये एसेंशियल था तो इसलिए हम लोगों ने ये लिया. एंड आई थिंक हमारा बहुत ज्यादा लास्ट करेगा 2-3 months, तो एटलीस्ट 4-5 months. हाँ लास्ट हम लोगों ने भैया की शादी पे लिया था ना, अभी तक वो चल रहा है. सो तो तुम इसको मान लो एक साल लगा लो 2 packets को. Yes. So next up we have this plum का green tea toner. So ये मैंने भाभी के लिए लिया है because उनको चाहिए था, वो use करती है इसको daily में, उनको काफी अच्छा लगता है toner. तो फिर मुझे लगा कि उनके लिए भी ले लेना चाहिए, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देना चाहिए because it's really good. हम लोग भी काफी use करा करते थे but हम लोगों ने अब इसको लगाना छोड़ दिया, लेकिन हम नई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. बट भाभी हम कोई प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज नहीं करते ताकि हमारी स्किन को ऐसा ना आदत ना पड़ जाए वो एक ही प्रोडक्ट की. सो वी कीप ऑन चेंजिंग ऑन प्रोडक्ट्स. सो हमने चेंज कर दिया तो भाभी, बट स्टिल भाभी वाले यूज करती है. उन लोग काफी अच्छा लगा, उनके स्किन के लिए बहुत ज्यादा सूट हुआ है. सो शी यूजेस दिस डेली एट नाइट. सो गाइस नेक्स्ट वी हैव वेरी चीप प्रोडक्ट, लाइक चीप इन द प्राइस आई एम सेइंग, क्वालिटी इज वेरी गुड. एंड ये सिर्फ और सिर्फ 65 rupees का था Amazon पे. इट्स अ इनसाइड लिपस्टिक, लाइक ये पिंक में है. सो हमको ये चाहिए थी बिकॉज हमारे पास मिनिसो की लिपस्टिक थी वो जो कि खत्म होने वाली है. तो हम लोग ना वो हमको अमेज़न पर स्टॉक आउट चल रही थी, तो हम कुछ ऐसा ट्राई करते जो हमने पहले ट्राई नहीं किया है जो कि इनएक्सपेंसिव भी हो. सो दिस इज द लिपस्टिक दैट वी बॉट एंड ये काफी अच्छा है, इसका शेड भी बहुत प्यारा है एंड बहुत ज्यादा देर तक लास्ट भी होती है. एंड आई गेस ये वाटर प्रूफ भी है ना, इसे माइसिला वाटर से ही रफ हो रही थी, लेकिन हम उसको नॉर्मल रब करने की कोशिश कर रहे थे तो वो रब नहीं हो रही थी, माइसिला वाटर यूज करके ही रब हो रही थी. यस तो वी रियली लाइक इट, आप भी ट्राई कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. सो गाइस नेक्स्ट अप वी हैव दिस सिदाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर. ये है एक तरीके का फेस वॉश. या सो मैं इसको जनरली यूज करती हूँ, दीदी नहीं करती है, बट आई रियली लाइक दिस वन क्योंकि मेरी स्किन टाइप को बहुत अच्छे सूट होता है. बिकॉज इसके डर्मा ने इसको रिकमेंड किया है कि ये यूज करना चाहिए बिकॉज ऑफ पिंपल प्रॉब्लम. या ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है. सो आई रियली थॉट कि मुझे ये ले लेना चाहिए, मेरा ऑलरेडी खत्म होने वाला था. सो मैंने पहले से मैं स्टॉक में रख लेती हूँ. सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस सिलिकॉन बाथ बॉडी ब्रश स्क्रबर. सो दिस इज रीयूजेबल, आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स इन सिलिकॉन मटीरियल. सोचा था इसको हम लोफा की जगह पे यूज कर सकते हैं एंड इसमें एक ना ऐसे होल भी दे रखा है ऊपर से जिसे अपना बॉडी वॉश फिल कर सकते हो एंड उसके बाद कैप लगा के एंड इसको यूज कर सकते हो. लास्ट वी हैव दिस बॉडी क्यूपिड का एक्वा वेव परफ्यूम, लाइक ये हमने लास्ट टाइम ही परचेज किया था एक फिर से, बट क्योंकि इसकी स्मेल इतनी अच्छी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बहुत अच्छी है. सो हमने सोचा कि एक और ले लेते हैं यार. एंड ये पैक्ड है गाइस, ये हमने अब तक ओपन नहीं किया है बिकॉज हम चाहते हैं कि पहले वो हम खत्म कर लें उसके बाद इसको खोलें. बट आपको दिखा देते हैं कैसी लगती है ये दिखने में, पहले देखी भी होगी अपने. इट कम्स इन ग्लास बॉटल एंड इसका जो कैप है वो बहुत ही अच्छा है, गोल्डन कलर का. एंड इसका जो ओवरऑल जो एक तरीके से लुक कह रहे हैं आई रियली लाइक दिस, है ना. एंड फ्रेग्रेंस तो इसका इतना ज्यादा प्यारा, ऐसा लगता है कहाँ पे ऐसे पहाड़ों में आ गए हो. स्मेल बहुत ज्यादा प्यारी है इसकी. सो या यही हमारी छोटी सी फेवरेट्स वीडियो वाओ, ये व्लॉग में हमेशा इंक्लूड करते हैं वैसे. सो वी होप आपको पसंद आया होगा हमारा ये हॉल छोटा सा. एंड सारे प्रोडक्ट्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सारे प्रोडक्ट्स अमेज़न से हमने परचेस किए हैं ऑन अ वेरी गुड डिस्काउंट, सो यू गाइस कैन आल्सो डू दैट. सो अब इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं. वी होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग एंड इफ यू डिड यू नो व्हाट टू डू, राइट, हिट दैट लाइक बटन एंड आल्सो डिस इन कमेंट सेक्शन आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं. अच्छे लगते तो प्लीज बताते रहा करो और प्यार थोड़ा सा दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो गाइस. प्लीज सब्सक्राइब की तो बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, जनता जवाब चाहती है. सो Let's end this vlog here. See you soon. Till then, bye-bye. And also, stay home, stay safe.